बहरान से निकालने के लिए नेशनल बैंक 90 लाख डॉलर्स का कर्जा देगा। दुखियां दी बेड़ी लेंदी हुलारा, मुश्किल कुशा सानू तेरा सहारा। नेशनल बैंक ने भी दे दिए पैसे पीआईए को, पीआईए शटेल मिल और रेलवे, इन्होंने तो माशाल्लाह अपने याती कशकोल खरीद लिए। अब तो मैंने सुना है कि जितना बड़ा अफसर होता है उसके पास उतना बड़ा कशकोल होता है। अब तो ये रेलवे वाले जो टिकटें चेक करने नहीं चढ़ते गड्डी में, वो एक हाथ में वो पकड़ा होता है उन्होंने टिकट मेमोरी करने वाला, और दूसरे हाथ में कशकोल होता है, ऐसे टिकट मेमोरी करके फिर इसको छनकाते हैं। चलो लेडी जी भी कुछ पाओ। एक औरत ने मिट्टी डाल दी, गाड़ी गुजरात से गुजर रही थी, अच्छा पीछे से चौरी शिजाज साहब की आवाज आ गई होगी, मिट्टी बहु मिट्टी बहु ने मिट्टी बात की। अब तो मैंने सुना कि पीआईए में वो जो शुरू शुरू में ट्रेनिंग नहीं देते जहाज में, ऑक्सीजन मास्क कैसे चढ़ाना है, बेल्ट कैसे बांधनी है, नीचे से सेफ जैकेट कैसे निकालनी है, वो सारा कोई समझाने के बाद फिर वो कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। खवातीनो हजरात, मेरे बहनों भाइयों, जरा थोड़ी देर की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीआईए के जहाजों के टायर कस गए हैं, इनके इंजन के ऑयल खत्म हो गए हैं, तिबरियां रगड़ी गई हैं और फिल्टर चेंज होने वाले हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपके सदकात खैरात की वजह से पीआईए चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसका अजर अल्लाह ताला आपको देने वाला है, गवर्नमेंट की तरफ मत देखिए। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी हमारी एयर होस्टेस डब्बियों वाला साफा लेके आपके करीब से गुजरेंगी। जो तौफीक हो किसी के पास, डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम या यूरो हो, कोई बात नहीं, डाल दीजिए रुमाल में। पीआईए एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये फॉरेन करेंसी भी वसूल करती है। ए रुमाल में डाल के अपनी फ्लाइट का मजा ले, बहुत शुक्रिया। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मैंने तो ये भी सुना है कि पीए वाले कुर्बानी की खालें जमा करने का भी प्लान बना रहे हैं। ए दोस्तों, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, हथां दा दित्ता ते पा अल्लाह दित्ता ही कम आउंदे ने। आपकी मेहरबानी, हमारी एयर होस्टेस जब आपके पास आए तो सदकात खैरात देते हुए साथ लिफ्ट लेने की कोशिश ना कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ये तुमने हाथ यहाँ क्यों रखा हुआ मुंह पे? यार, ये जो बसों में मांगते हैं उनका शटैल होता है। अच्छा। उन्होंने योर योर से बोलना होता है और करीब लोग सवारियां बैठी होती है, उनके मुंह में से थूके निकल के उनमें गिरती है, इसलिए वो फिल्टर कर लेते हैं ताकि वो नीचे से कसौना मार दे, पर नहीं मार दे। बरसरे इक्तदार आकर देहात को अहलियाने लाहौर वाली सहूलतें दूंगा, शहबाज शरीफ। बहुत अच्छे मियां शहबाज शरीफ साहब, खुदा का वास्ता बात वो करें जो करने वाली है या जो मुमकिन है। आपका क्या ख्याल है जी, आप गांव में लाहौर वाली सहूलतें दे देंगे, यानी एक अंडरपास गुजरेंगे तो आगे से चक 12 आ जाएगा, दूजा गुजरेंगे तो चक 13 आ जाएगा, तीजा गुजरेंगे तो चक 14 आ जाएगा। खुदा के लिए जाने दे, ऐसे हो सकता है ना? पिंड में मेट्रो चला सकते हैं आप? चलाओ जरा पिंडों में मेट्रो। दूसरे दिन अखबार में खबर आई होगी, तीदोपुरा की नाली वाली गली में मेट्रो 1.5 घंटा रुकी रही, क्योंकि चोरी तफैल के दो संडे पुत्र के आपस में गुत्थम गुत्था हुए हुए थे। जाओ कर लो संडियों को मुअत्तल, क्या करेंगे संडों का? शहबाज शरीफ साहब से कहो कि देहातों को दोबारा देहात ही बना दे, यही उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। और पिंडों को शहरों वाली सहूलतें तो पूरी दुनिया में मुझे असर नहीं आती, बल्कि छोटे शहरों को बड़े शहरों की सहूलतें नहीं मुझे असर आती। आप पिंड की बात कर रहे हैं, आपने खुद ही तो कहा था कि लंदन में ट्रेन चलती है, मैनचेस्टर में नहीं चलती। अपनी बात की तो ना आप नफी कर दे, पिंडों में आप शहरों की सहूलतें देने लगे हैं। रोज पता चले भाई जी ओवरहेड ब्रिज के नीचे तूड़ी वाली ट्राली फंसी हुई है। भाई इंतखाबी वादे ही है ना, जितने मर्जी कर ले कौन सा बिल आता है यार। वादे वो करें ना जिनसे टेंशन क्रिएट तो ना हो। पिंडों को शहर बढ़ा देंगे तो हर चौक में रो वाली रेड़ी लग जाएगी, तो फिर पगटंडियों पे बैठ के गन्ने कौन चूपेगा।
शहरों की सहूलतें पिंडों में चली गई, उधर मैकडॉनल्ड खुल गए, पिंड के लोग पेड़े घर से लेके जाया करेंगे। भाई जी मेरा एक बड़ा बर्गर छंड के ला दिया, पेड़ा मैं अपना लेके आया। एएफसी में जाके पेंडू कह रहे हो भाई जी चार चिकन पीस दे दियो, अतरी ज्यादा डालना, शहर से प्रौने आए हुए सारे गांव के एएफसी मैकडॉनल्ड में घुसे हो, सामने माई भट्टी वाली बेचारी वेली बैठी हो, वो गुस्से में कह रही हो भैया उतरियो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि इक्तदार में तमाम जमातें साथ रहीं पर बदनाम सिर्फ पीपल्स पार्टी को किया जा रहा है। बहुत अच्छे मुर्शिद माशाल्लाह आप चंगे पुलिस दमाल नहीं यार ना मुझे माफ कर देना मुर्शिद, मुझे साड़ के सुहा ना कर देना, अल्लाह खैर करे इतनी देर के बाद आए मुर्शिद दमाल भूल गई है, वैसे इतनी देर के बाद आ गया आपने ये बयान क्या दे दिया है। सरकार सदर और वजीर आजम पीपल पार्टी के ही थे 5 साल है यूर, जब होटल में सालन बासी निकल आए तो कुक को कोई नहीं कुछ कहता, होटल के मालक को ही पकड़ते हैं लोग। अगर जज कहीं लड़ पड़े तो पर्चा लाड़े के प्यो के खिलाफ ही होता है जनाब। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे हयूर चलान सवारियों का नहीं होता, उसका होता है जिसके हाथ में स्टेरिंग होता है। सो 5 साल स्टेरिंग तो आपके हाथ में रहा है। तो मुर्शिद पे गर्म हो गया। मुर्शिद के खिलाफ बात हो गई जी। नहीं मुर्शिद नहीं है, मैंने डिप्टी वजीर आजम को कहा है, आपको नहीं कहा। नजीम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।